अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अक्सर महफिलों में ना सलाम से थोड़ा सा पता चलता है कि जाग रहे हैं, सोए हुए हैं। मैंने वैसे तीन दफा कहा है और माशाल्लाह आबद भाई आमालों का कदर न काई थे, खासा रमसा पाइया। इतनी खूबसूरत बात कर रहे थे, इतनी खूबसूरत कि मैंने आज फर्स्ट टाइम सुनी है वो बातें। और मैंने कोशिश की है कि मैं उन बातों में जाने की कोशिश करूं, लेकिन मैं इतना नहीं था। लेकिन चंद लोगों को जो समझ आ रही थी, मैं कहता हूं कि कमाल, सुभान अल्लाह। एक दफा सभी ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह कह दें। हाँ, और इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आपकी आपके लिए दिल से एक दफा सब मिलकर सुभान अल्लाह कहें। माशाल्लाह, मैं बड़ी मशहूर हूँ शोहेब भाई का और बड़ी मशहूर हूँ सैयद मुदस्सर हुसैन शाह साहब। माशाल्लाह, आपकी खसूसी मोहब्बतों दावतों पर मैं आपके सामने हाजिर हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है, मेरा पढ़ना आपका सुनना अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल मंजूर करें। स्टेज की जीनत माशाल्लाह, बड़े अच्छी शख्सियात हैं, नाथ खान भी बैठे हैं, मेरे प्यारे भाई मलिक आसिफ साहब और सभी के माशाल्लाह मोहब्बतें करने वाले मेरे बड़े भाई आबद भाई हैं और सादात भी माशाल्लाह बैठे हैं, बशारत फरीदी भाई भी हैं, सभी अच्छे नाम हैं। अल्लाह सबका यूं आना अपनी बरगाह में कबूल मंजूर करे। ज्यादा टाइम नहीं मैंने लेना, मेरी आदत भी है, मैं ज्यादा नहीं टाइम लेता। आधे घंटे के अंदर 20-25 मिनट में मैंने आपने अपनी हाजिरी मुकम्मल कर ली है। लेकिन मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ना है, मियां साहब के कलाम से आगाज करूंगा, दो तीन शेर आपको देने हैं और आपका ज़ौक देखने हैं। उसके बाद मैं कलाम की तरफ आऊंगा। जो हुक्म मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ ले, तो ज़ुबान भी खामोश ना रहे। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, रसूल अल्लाह सल्लम अलैका। उसका एक शेर और एक और कलाम उसके दो शेर।
और एक मकबत और आखिर में दो मियां साहब के पिछला 20-25 दिन में हाजिरी मुकम्मल कर देनी है मेरे साथ मिलकर पढ़ने बड़ा बड़ा मशहूर जमाना कलाम है भाई ने फरमाइश की है हा मेरी चोली मेरे गले है सदा टुकड़े मोहब्बत के मेरी चोली मेरे गले है सदा टुकड़े मोहब्बत के असल से सारा है ये सदा टुकड़े मोहब्बत के और आसे भाई आप भी देख रहे हैं ये टुकड़े हम खाते हैं शेख भाई मैंने देख रहे हैं कौन कौन नबी का सदका खाता है कौन आज उठा के बताए मुझे तो ये मेरे साथ सारे मिलकर पड़ेंगे जो खाता है कि मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े जिंदाबाद साजिदारे हक में नबूवत जिंदाबाद
बैठे हुए। भाई ये बात तो सच है ना, नबी के नाम पर कोई समझौता नहीं है, सही है। जिसने ना मूसा रिसालत की बात की, कोई गद्दार निकला तो सारे इल्म दीन और सारे बर्दाश्त कर दिए। आप उठा के हम इल्म दीन भी है, गाजी मुमताज भी है, जो जानत जाते हैं जो जाते हैं, हम वो जाबाज भी हैं।